हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे वर्णक तंत्र पिगमेंट सिस्टम यानी पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड की बात कर चुके थे। उसी पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड को ध्यान में रखते हुए यानी उसकी क्रियाविधि को आप इसी के अंदर आप समझ सकते हैं। तो आज अपना टॉपिक चलेगा प्रकाश फास्फोरिलेशन। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फास्फोरिलीकरण कहते हैं। यानी एडीपी से क्या बनना? एटीपी बनना, अर्थात एटीपी संश्लेषण के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? फास्फोरिलीकरण। यानी एटीपी का निर्माण किस प्रकार से होगा वो फास्फोरिलीकरण क्रिया के माध्यम से देखेंगे, अर्थात फास्फोर लेकरण क्रिया की खोज आर्नर ने फास्फोर लेकरण क्रिया की खोज की। प्रकाश फास्फोर लेकरण के दो प्रकार हैं, एक है चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन या चक्रीय प्रकाश फास्फोर लेकरण। फास्फोरिलीकरण नंबर दो होता है अचक्रीय अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो सबसे पहले हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करेंगे, उसके बाद में अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की बात करेंगे। चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या है कि इलेक्ट्रॉन होता है एक चक्रीय फास से होता हुआ एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, तो आरेख बनाएंगे, आरेख के माध्यम से समझेंगे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है। आपको बताया गया था कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, इसमें पीएस फर्स्ट भाग लेता है, ये है पीएस फर्स्ट और ये है सहायक वर्णक जिनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। यानी इनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। इसके बाद में क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है तथा दो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। इसको ग्रहण करने वाला होगा वो प्राथमिक ग्रही होगा AFES। ये इलेक्ट्रॉन लोहे युक्त फेरोडॉक्सिन समान प्रोटीन है, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है FD में, फेरोडॉक्सिन FD से इलेक्ट्रॉन साइड बॉन्ड B6 साइड बॉन्ड B6 साइड बॉन्ड B6 से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइड बॉन्ड F साइड बॉन्ड F से इलेक्ट्रॉन जाएगा PC
और पीसी से इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन और यहाँ एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ये अणु की ऊर्जा है, अणु की ऊर्जा यहाँ AFES बराबर लोहे युक्त, लोहे युक्त फेरोडॉक्सिन समान प्रोटीन, प्रोटीन जिसे FAS कहते हैं। FD फेरोडॉक्सिन और यहाँ पर PC का मतलब प्लास्टोसाइनिन और CYT साइटोक्रोम। ये चक्रीय फास्फोरिलेशन के कुछ संकेत हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अपना टॉपिक चल रहा है चक्रीय फास्फोरिलेशन, चक्रीय फास्फोरिलेशन चक्रीय फास्फोरिलेशन क्या है कि इस क्रिया में सबसे पहले सहायक वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है तथा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके यह केंद्रीय संकुल P700 को स्थानांतरित कर देता है तथा P700 प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है तथा दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, निष्कासन करता है तथा स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन होता है जो इसका प्राथमिक ग्राही कौन होता है, AFES। AFES क्या है, लोहे युक्त फेरोडॉक्सिन समान प्रोटीन है जो इसका प्राथमिक क्या होती है, ग्राही होती है कि AFES इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, FD में चला जाता है और FD से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, साइट्रॉन B6 में चला जाता है और साइट्रॉन B6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, साइट्रॉन F में। अर्थात एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जैसे इलेक्ट्रॉन गमन करेगा तो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का उपयोग कौन, ADP उपयोग करके क्या बनाता है, ATP का क्या करता है, निर्माण करता है। साइट्रॉन F से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, PC में चला जाता है अर्थात PC यानी प्लास्टोसाइनिन बोलेंगे और इस प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चला जाता है, P700 में चला जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था, P700 से। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था, P700 से निकला था लेकिन एक चक्रीय पथ से होता हुआ वापस किस में लौट आता है, P700 में लौट आता है। ध्यान रहे कि वापस किस में लौट आता है, P700 में लौट आता है लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ADP से किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय फास्फोरिलेशन कहा जाता है कि एक P700 से निकला इलेक्ट्रॉन एक चक्रीय पथ से होता हुआ वापस P700 में लौट आता है लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनाता है, ADP से ATP का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय फास्फोरिलेशन कहा जाता है। इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। ध्यान रहे कि चक्रीय फास्फोरिलेशन की बात करें तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त तो नहीं होती है। अर्थात इसमें NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसमें एनएडी पीएचटू का निर्माण नहीं होता है, अर्थात यह सभी हरे पादपों व जीवाणुओं में पाई जाती है। हरे पादपों व जीवाणुओं में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी हरे पादप हैं और जीवाणुओं के अंदर एक प्रकार से चक्रीय फास्फोरिलेशन क्रिया पाई जाती है, अर्थात इसमें जल का प्रकाशित अपघटन नहीं होता है। तो ये चक्रीय फास्फोरिलेशन है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर सबसे पहले सहायक वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है और उसके बाद में P700 को स्थानांतरित किया जाता है। P700 प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित होकर दो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन होगा जो क्रम से आपको याद रखना है AFES, उसके बाद में किस में जाएगा FD में जाएगा, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा साइटोकॉम B6, साइटोकॉम F और उसके बाद में BC और अंत में किस में चला जाएगा P700 में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार P700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन एक चक्रीय फल से होता हुआ वापस P700 में लौटा था, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ADP से ATP का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है चक्रीय फास्फोरिलेशन कहा जाता है। तो इन फास्फोरिलेशन में पहला प्रकार है चक्रीय फास्फोरिलेशन, इसके बाद में नंबर दो चलेगा अचक्रीय फास्फोरिलेशन, जिसका अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। जो अचक्रीय फास्फोरिलेशन क्या है अगली क्लास में हम देखेंगे, जो आरे के माध्यम से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।